नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज लीक से हटकर बात करते हैं। अभी हाल में एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल प्रथम फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें वो देश की एजुकेशन की हालत के बारे में अपना सर्वे बताते हैं। इस साल का सर्वे प्रथम फाउंडेशन ने 26 राज्यों के 28 जिलों में और उनके ग्रामीण स्कूलों में कोई 34,700 विद्यार्थी जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच थी, सर्वे करके प्रकाशित किए और नतीजे चौंकाने वाले हैं, चिंताजनक। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25% विद्यार्थी क्लास 2 की टेक्स्ट बुक उनकी मातृभाषा में पढ़ने में असमर्थ थे। उम्र थी 14 से 18 साल, मतलब कि वो कम से कम 9 से 12 क्लास में पढ़ रहे थे। क्लास 2 की टेक्स्ट बुक पढ़ने में असमर्थ पाए गए। कोई 50% विद्यार्थी सिंपल गुणा भाग, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सवाल जो क्लास 3 और 4 में सिखाए जाते हैं करने में असमर्थ पाए गए, और कोई 43% विद्यार्थी अंग्रेजी के सिंपल सेंटेंस ना तो पढ़ पाए ना तो समझ पाए। ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है देश के अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्टेट की। लेकिन किसी भी नेता से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी भी एजुकेशनिस्ट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में आगे के एजुकेशन की तरफ, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स की तरफ झुकाव देखा गया, और वो स्टेम सब्जेक्ट्स STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स से किनारा करते हुए दिखाई दिए। तो अधिकांश विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज में, हायर स्टडीज में जाना चाहते। प्रथम ये भी कहता है कि विद्यार्थियों में फाउंडेशनल स्किल्स का अभाव देखा गया। ये फाउंडेशनल स्किल्स होती क्या है? कुछ साल पहले भारत ने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या NSQF को एडॉप्ट किया था। NSQF के अंदर कोर स्किल्स में कुछ चीजें आती हैं जो फाउंडेशनल स्किल्स से मिलती हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कैलकुलेशन मेजरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस, कैलकुलेशंस फॉर पर्सनल फाइनेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी। ये सेट स्किल्स का अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवन में कोई भी टेक्निकल या वोकेशनल स्किल नहीं सीख सकते। चिंताजनक बात यूं है कि हिंदुस्तान में कोई 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वोकेशनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सीखने की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा रोजगार पा सके। हमारे लीडर्स को आपने सुना होगा कि
कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और अक्सर कहते हैं कि कोई 60 करोड़ लोग हिंदुस्तान में यूथ है और इनको हम पूरी दुनिया में भेजेंगे जहां की आबादी बूढ़ी हो गई है और ये यूथ जाकर उनकी इकोनॉमी संभालेगा, उनके यहां उनके लिए रेडीमेड जॉब्स है। अगर ये यूथ फाउंडेशनल स्किल्स में इतना कमजोर है तो कैसे ये सपना पूरा होगा, मैं आप पर छोड़ता। आपने वीडियोस में अक्सर देखा होगा देश के खस्ता हाल स्कूल्स, उदासीन अध्यापक और उनसे ज्यादा उदासीन और उदंड स्टूडेंट्स को। इतना पैसा डालने के बाद, इतना बजट एलोकेशन करने के बाद स्टेट से और सेंटर से, और इतनी सारी योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग शिक्षा की सहूलियतें, और उसकी डिलीवरी इतनी खराब कि 25% विद्यार्थी क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पाते, 50% विद्यार्थी सिंपल गुणा भाग नहीं कर पाते, 40-43% विद्यार्थी अंग्रेजी का सीधा सेंटेंस नहीं समझ पाते, और सारे के सारे विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं ताकि आगे जाकर किसी तरीके से वो डिग्रियां लें और डिग्री धारक अनएम्प्लॉयड यूथ में शामिल हो। किसी भी एचआर प्रोफेशनल से आप पूछ लें, उनका जवाब है कि 80% ग्रेजुएट्स हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयबल हैं, उनके पास वो स्किल सेट्स नहीं है, वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि उन्हें जॉब मिल सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वांटिटी भले ही हो, बहुत सारे स्कूल हो, लेकिन वहां से जो क्वालिटी निकल रही है, साल दर साल एसर की रिपोर्ट में आपको बताई जाती है, लेकिन आप हैं कि इसका कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई नोटिस नहीं लेते। हिंदुस्तान अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा है और इस तरीके की एजुकेशन की डिलीवरी है और इस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप दे रहे हैं, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, ये यूथ डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।